हेलो गाइस, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। बहुत सारे लेक्स हैं उदयपुर में, और हम आज एक अनएक्सप्लोर्ड से लेक पर जा रहे हैं, उसे एक्सप्लोर करेंगे। कम लोग जाते हैं वहाँ पर, ज़्यादा लोग नहीं जाते, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अमरचंदिया लेक। तो आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, अमरचंदिया तालाब उदयपुर से अराउंड 30 किलोमीटर दूर है। ये उदयपुर कुंभल का रूट पर लोकेटेड है। आपको रूट मैप और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिए ब्लॉग लिंक में मिल जाएगी। आपको अमरचंदिया तालाब की लोकेशन गूगल मैप पर भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी लोकेशन को फॉलो करके वहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपको कुंभलगढ़ मेन रोड से लेफ्ट में एक हिली रास्ता दिखाई देगा, ये सीधा आपको अमरचंदिया तालाब ले जाएगा। आपको बस मैप को फॉलो करना है और आप एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अमरचंदिया तालाब पर, और ये पूरा एक कंपनी के अंडर में है कॉन्ट्रैक्ट, शायद वयम एडवेंचर्स करके। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, कैंपिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, बोनफायर, बोटिंग, कायाकिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग, ओके, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ तो है। और योगा सेशंस, प्री वेड शूट्स, नेचर फोटोग्राफी, सब कुछ है। कॉरपोरेट इवेंट्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, लाइव म्यूजिक, बहुत कुछ है। देखिए, बोटिंग के फोटोज़ हैं, अलग अलग एडवेंचर के फोटोज़ हैं, तो काफ़ी सारा कुछ है। ये फ़ोन नंबर्स भी हैं, तो आपको अब आगे जाकर व्यू दिखाता हूँ। पहले तो सबसे फर्स्ट व्यू आपको कैसा दिखने वाला है, फिर हम पूरे तरीके से आपको सारा व्यू दिखाएंगे। तो आप देखिए व्यू, देखिए यहाँ से ये कैफे बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये व्यू पूरा, यहाँ से देखिए ये पूरी लंबी सी पाल आपको दिख रही है, अमरचंदिया तालाब लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार व्यू है, यहाँ पर सामने बहुत ही पानी भी लेवल ठीक है अभी, और अभी आपको नीचे जाकर बताऊंगा व्यू कैसा व्यू है। तो काफ़ी अच्छा है, अगर आप थोड़ी सी शांति पीस के लिए यहाँ आए, लेक का मज़ा लें, उसके लिए काफ़ी अच्छी जगह है। एक आउटिंग, अच्छी आउटिंग है, अराउंड 30 किलोमीटर्स होगा ये सिटी से। तो दोस्तों, पाल की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये रास्ता दिखेगा, ये लोग उतर रहे हैं, ये कॉर्नर पे ये रास्ता है पाल तक जाने का। तो यहाँ पर अपन पाल तक अब जाते हैं, और पाल का व्यू आपको दिखाते हैं। तो यहाँ स्टेयर्स बनी हुई है, एक मिनट। तो दोस्तों, अब पाल की तरफ जा रहे हैं। देखिए काफी अच्छी चौड़ी सी पाल बनी हुई है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे झंडा दिखता है अमरचंदिया तालाब, देखो बड़े से उसमें लेटर्स में लिखा हुआ, आपको रोड से ही दिख जाएगा अमरचंदिया तालाब। और पानी की आवाज आ रही है, पानी बह रहा है। ये देखिए काफी पीसफुल है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, और बीच में ये तालाब है। ये देखिए पूरा व्यू, ये हम पाल पे आ गए हैं अब, और यहाँ पर एक पहाड़ है देखिए, और ये लेक, ये देखिए घंटा खूब यार, ये देखिए काफी बेहतरीन लेक यहाँ पर। ये बियर बॉटल्स का तो कोई इलाज नहीं है, ये देखिए बियर बॉटल्स यहाँ पर भी हैं, गंदा करने लोग पहले आ जाते हैं।
तो ये लेवल भी अभी तक ठीक ठाक है। इस लेक के हिस्ट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये लेक ठाकुर अमरचंद बड़वा ने महाराणा प्रताप टू के शासनकाल में ईयर 1753 में इस लेक को बनवाया था। ठाकुर अमरचंद बड़वा को कम लोग जानते हैं। रियासत काल में जब मेवाड़ एक स्टेट हुआ करता था, तब ठाकुर अमरचंद बड़वा मेवाड़ के 28 सालों तक प्रधानमंत्री रहे। उदयपुर में भी शहरी सुरक्षा हेतु परकोटे, पोले, त्रिपोलिया गेट, बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद जी बड़वा ने ही करवाया था। ठाकुर अमरचंद बड़वा एक कुशल आर्मी कमांडर भी थे। इन्होंने मराठा द्वारा मेवाड़ पर हमले के दौरान मेवाड़ की रक्षा भी की थी। तो दोस्तों, ये बीच में आप देख रहे हैं जेटी, यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर भी किया जाता है। यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर भी बुक करवा सकते हैं। तो बहुत ही एक बढ़िया ऑप्शन है, अगर जिस किसी को अपनी एनिवर्सरी बनानी है या कुछ भी मनानी है, तो यहाँ बोट के थ्रू आपको वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पर कैंडल लाइट डिनर कराया जाता है। नेपाल पे से ही आपको ये कैंपिंग साइट है वो भी दिख जाएगी। यहाँ से वहाँ पर नाव से जाया जाता है और ओवरनाइट आप वहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं। नेचुरल पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ पर, देखिए। और ये तालाब है, और ये देखिए बड़ी पाल है, देखिए लंबी पाल वहाँ तक जाते हैं। सामने भी एक पहाड़ है और बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ आप यहाँ कर सकते हैं और एक बेहतर वीकेंड आउटिंग आप कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरफ भी पहाड़ियाँ और चट्टाने हैं, पाल के इस तरफ पानी गिर रहा है थोड़ा बहुत। हम बोटिंग के लिए अब जा रहे हैं, यहाँ स्टेप स्टेयर्स बनी हुई है बोटिंग के लिए। तो अब बोटिंग करेंगे लेक में, और पैडल बोट्स हैं यहाँ पर। तो पैडल बोट्स में हम बोटिंग करेंगे और बोटिंग का मज़ा लेंगे यहाँ पर। लेक तो काफ़ी अच्छा है बोटिंग के हिसाब से। तो देखिए लेक तो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों लाइफ जैकेट पहन लिया है और ऑल सेट फॉर द बोटिंग। और अब हम देखिए पैडल वाली बोट है, यहाँ पर बोटिंग करेंगे। ये भैया हैं हमारे साथ। या भैया थोड़ी आगे खींच लो नहीं। तो ये देखिए पैडल वाली बोट है। तुम इधर बैठना। क्यों? इधर सही है ना? उधर भैया आप बैठ जाना ना। देखिए सेम डायरेक्शन में पैडल चलने चाहिए, सेम डायरेक्शन में पैडल। और ये देखिए आहा हा गाने चला भी मजा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। बहुत टाइम बाद पैडल बोट में बैठा हूँ ऐसा लग रहा है। बाद आगे में बहुत साल, बहुत टाइम हो गया। पूरा लंबाई में बहुत ही बेहतरीन। अपन कहाँ जा रहे भैया? अभी उधर जाना था कि जा सकते। अपन इधर कैंपिंग देख के आ जाए क्या? नजारा देखिए कैसे मुड़ा है। अब ये टर्न ले रही है बोट। मारो करो पेंडल, मैं मारू। ये अभी इनकी कैंपिंग साइट पर भी ये ले जा रहे हैं। हमें चलाना जिसे चला रहा हूँ। कैंपिंग साइट का नजारा भी एक बार देख लेंगे, जहाँ पर नाइट कैंपिंग होती है। ये देखिए उस तरफ ही जा रही है बोट। और ये व्यू कमाल का व्यू। तो देखिए कैंपिंग के टेंट्स आप देख सकते हैं। और ये नॉर्मल है, ये आपको दिखाने के लिए इस डायरेक्शन में लाए हैं हम। दोस्तों ये बोटिंग हमारी ख़त्म हुई, मज़ा आया बोटिंग में।
देखिए किनारे पर आ चुके हैं और अब उतरना बाकी है। इन भैया ने काफी अच्छी बोटिंग कराई। क्या नाम है आपका? श्रवण। श्रवण नाम है इनका। तो आप कभी भी आए अमरचंदिया तो श्रवण भाई को याद करें, काफी अच्छी बोटिंग कराई। और ये हम आ गए हैं किनारे पे और यहाँ पर हमारी बोटिंग खत्म। तो दोस्तों अब अपन जानेंगे यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी होती है। और हमारे साथ यहाँ पर वायम एडवेंचर्स के ये हैं, ये बताएंगे हमें कि यहाँ पर क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटी होती है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रवीण नाम। प्रवीण नाम है इनका जी। क्या क्या एक्टिविटीज आप कराते हैं यहाँ पे? कैंपिंग करवाते हैं, ट्रैकिंग करवाते हैं, बोटिंग करवाते हैं। अच्छा, कैंप फायर करवाते हैं। कैंप फायर भी होती है जी। कोई बड़ा इवेंट होता है, बड़ा इवेंट भी करते हैं। अच्छा, ग्रुप होते हैं उनके लिए भी हम डीजे करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा, बोटिंग वगैरह चार्जेस क्या है? बोटिंग का चार्जेस अलग है, पैडल बोट का अलग है। और मोटर बोट में है तो मोटर बोट का परसन 100 रुपीज है और बाकी है पैडल बोट का 50 रुपीज। ओके ओके ओके। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और निकलने से पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ जगह का रिव्यू, तो अगर आपको आउटिंग करनी है, अगर आप उदयपुर में रहते हैं, अगर आपको आउटिंग करनी है, आपको थोड़ा सा एडवेंचर करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, इवन एनिवर्सरी पे आप बीच में जेटी पर डिनर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कुछ करना है, पीसफुल एनवायरनमेंट में आना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, ग्रुप्स में आ सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में है ही है, तो आप इसे देखिए। उदयपुर बीट्स को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक तीनों पर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके लिए नए नए लोकेशंस और नए नए अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू।